कि नहीं पीछे उधर चल उधर भाई फंस जाए आगे, आगे भाई फंसाने वाले काम नहीं करते हैं। शिट भाई इन्हें हटा दे। सेल्फ मारने लगे हैं ना ओन है वीडियो। हाँ सो दोस्तों सेल्फ मारने लगे हैं सुबह की। सीधा दिखा भाई टेढ़ा दिखा रहा। अरे स्टीक दिख रहा है 3 2 1। भाई छोरी क्यों स्टार्ट ही नहीं हो रही भाई ठंड करके कार। ये दिखा भाई ड्रैगन चटनी तो दी नहीं मुझे। लेना ड्रैगन चटनी। कैसे लगे जीजू भटूरू? भटूरू भटूरू मजा आ गया यार खा के। मतलब अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज की जो हमारी मॉर्निंग हुई है काजा में काफी ठंडी मॉर्निंग हुई है। ये हमारा रूम था यहाँ से लाइट ऑन होएगी। यहाँ की सारा सामान अब हमने यहाँ पे रख दिया। ये इनका डाइनिंग रूम है। इतना गर्म है ना अगर जिंदा रहना है तो ये होना जरूरी है। इसकी वजह से गर्म है। बराबर में टॉयलेट है मतलब वॉशरूम है। उसके बराबर में किचन है। एक और रूम भी है बड़ा वाला पर जिस रूम में हम रुके हैं वहाँ पे कैपेसिटी 7 लोगों की है। पर यहाँ पे जो चलता है ना पर पर्सन वाला सिस्टम चलता है जिसमें डिनर ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। इसके अलावा उन्होंने कहा अगर आपको मैगी वगैरह भी खानी है तो आप ले के आ सकते हो बना के दे देंगे हमको मैगी वगैरह भी। जो मैम है यहाँ पे जो ओनर है काफ़ी अच्छे हैं काफ़ी फ्रेंडली हैं। उनकी बेटी भी है एक तो मैं उनका नंबर भी यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूँगा। ठंड बहुत है मैंने रात को भी ये दिखाई थी। ये बर्फ़ जमी हुई है। ये परांदी लगी हुई है कार के आगे सारी आगे से लेके साइडों तक पूरी बर्फ़ है। अभी हमारा मन है गया धूप भी है अंदर मैं हीटर ऑन कर लूँगा और छत खोल के जाएंगे क्योंकि कार हमने कर दी है बिल्कुल खाली। सारा सामान निकाल दिया पीछे से तो अभी हम क्या करेंगे कार की छत खोलेंगे और चलेंगे यहाँ से। भाई रेडी हो चुका है ये तो पूरा नहा धो के तैयार हुआ है मतलब मुँह धो के। जीजू रेडी हो गए हैं। आज सबने कपड़े चेंज करे मैं अपने उन्हीं कपड़ों में हूँ। बिल्कुल भी चेंज नहीं करा मैंने अपने आप को क्योंकि हमारे भाई को ठंड बहुत ज्यादा लग रही है आज। रात को 2 रजाई 2 कंबल लेके सोए थे। इतनी भारी थी कि अगर आपको पासा भी पलटना था ना तो ताकत नहीं मिल रही थी। तो भाई अगर वैसे आप सोच रहे हो गए अगर आप लोग काजा में आ रहे हो स्पीटी वैली में आ रहे हो अपनी मैगी ब्रेड बटर प्लस चॉकलेट्स जरूर लेके आओ। ये बहुत जरूरी है। कई बार होम स्टेज में रात को पहुंच के ये सब चीजें अवेलेबल नहीं होती तो ये सब चीजें जरूर लेकर आओ। हाँ अगर हो सके तो जो जो करता है वो थोड़ी थोड़ी ब्रांडी भी जरूर लेकर आए। लिटिल लिटिल पूरे 12 बज गए हैं मतलब इतने थके हुए सोए ना रात को हम 2 बजे सोए हैं बातें बातें मार के। इसके नीचे मैंने 4 लेयर डाली हैं और अपने पजामे के नीचे भी 3 लेयर डाली हैं। तो जाके दिखाओ दिखाओ ये लो ये देखो ये पजामा है इसके नीचे अब उसके नीचे वाला दिखाओ। चल चल अब छत खोलते हैं। क्या छत खुल गई है गाड़ी की। बढ़िया व्यू हो चुका है यहाँ पे ऊपर से। क्या बात है धूप निकली है बढ़िया वाली। पर सच कहूँ मन तो मेरा स्नोफॉल का था पर आज ये धूप देख के बहुत मज़ा आ रहा है बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 2 दिन से 3 दिन से हमने सिर्फ ठंड देखी है। और यहाँ पे गेट के बाहर इतनी बर्फ़ है इतनी ज़्यादा। यहाँ से कार निकाली थी कल रात को ईजिली निकल जाती है यार इसे दिक्कत ही नहीं है कोई। बाकी कार तो बाहर से तो पूरी मिट्टी मिट्टी है अंदर से बढ़िया साफ पड़ी है पूरी। भाई यहाँ पे गाड़ी साफ करते हुए खड़े होने के लिए कटाई जा जुलूस मेरा कोई जुलूस नहीं निकला इसलिए ली थी कन्वर्टिबल इन्हीं दिनों के लिए। कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया। ओके रिपोर्ट।
अब साथ ही नहीं हुई। सेल्फ मारने लगे हैं ना, ऑन है वीडियो। हाँ। So, दोस्तों सेल्फ मारने लगे हैं सुबह की। सीधा दिखा भाई, टेढ़ा दिखा रहा। अरे स्टीक दिख रहा है। 3, 2, 1। भाई छोरी क्यों? स्टार्ट ही नहीं हो रही भाई, ठंड करके कार होगी होगी। ये देखो जी, ये देखो कार अब कर रही है स्ट्रगल और अभी थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगी। जनरेटर के जैसे स्टार्ट हो रही है गाड़ी यहाँ पे। मुझे पूरा यकीन है कूलेंट भी जमा होगा गाड़ी का। कैसी आवाजें आ रही है, होने वाली है, होने वाली है। वन पे पहुंच गया, होने वाली है गाड़ी स्टार्ट। हो गई नॉर्मल, हो गई पूरी ठंडी है गाड़ी, नॉर्मल हो गई। अब तो अब हम जा सकते हैं। नहीं 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 हो जाएगा ठीक, अभी बाहर निकाल रहा हूँ, पहले वहीं पे जा रहा हूँ। अभी ना निकालनी, जब कहूँगा तब। ये मैं फोन रखा अंदर, वीडियो करी फोन कर ले। So, यार यहाँ पे अभी भी गाड़ी स्टार्ट करी है और ये वाली येलो लाइट जल रही है। आई डोंट नो कौन सा एरर है, किस चीज़ का एरर है, ठंड की वजह से आया है या कूलेंट जमा हुआ है। यहाँ पे शो नहीं कर रहा कुछ भी, तो थोड़ा सा भी चलते हैं, देखते हैं कोई इशू आता है कार में या नहीं। अगर आएगा तो रोकनी पड़ेगी थोड़ी देर के लिए। ये लाइट जल रही है, वी डोंट नो व्हाट दिस एरर मीन्स। ये अपने खतरनाक ड्राइवर, पीछे अपने एक्सपर्ट दीदू, ये दीदी, ये अपना मेहुल और ये मैं। Few moments later. तो यार where we were going towards Hikkim, and Hikkim से पहले हम जा रहे थे चिचिम ब्रिज की तरफ, जो एशिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है। पर हमने रंगड़ीक वाला रास्ता चूज किया, दिखा सकता है वो रास्ता है उस तरफ जहाँ पे जीजू दीदी मेहुल खड़े हैं। और अभी हमने क्या देखा है, यहाँ पे हमने देखा एक स्नो वाला ड्राइव बनी हुई है। सोचा कि थोड़ी सी स्नो ड्राइव करते हैं यहाँ पे थार की और मजे करेंगे। पीछे उधर चल, उधर भाई फंस जाएगी आगे। फंसाने वाले काम नहीं करते हम यार। थार है, दिखा रहा है। Thank you.
यहाँ नहीं जाएगी भाई, फिर नीचे फंस जाएगी, फायदा नहीं। फंस जाएगी, फंस जाएगी, मैं कह रहा हूँ। भाई नहीं, शिट भाई, इन्हें हटा दे। अभी यहाँ डाली थी कार, पूरी यहाँ तक आ गई थी अंदर, फंसी, टायर चारों फ्री हो गए थे। 4L डाला, 4L डालती हल्की सी गाड़ी मूव हुई, नीचे टायर से एक जगह से बर्फ हटाई अपने हाथों से और साथ ही निकल गई गाड़ी। शुक्र है निकल गई, नहीं तो वही कल वाला काम हो जाता आज भी। चल पूरी कार बढ़िया हुई पड़ी अभी, मेरी पूरी जैकेट यहाँ पे हल्की सी बर्फ लग गई है टायर की वजह से, और जैकेट इधर से पूरी गंदी हो चुकी है। यही रीज़न है मैंने कपड़े चेंज नहीं करे थे, क्योंकि कार में मिट्टी बहुत है और बर्फ़ वगैरह का मुझे पता था पंगा पड़ता है ऐसा एक्सट्रीम लेवल। हम अकेले हैं, जीजू वगैरह उधर फोटोग्राफी कर रहे हैं सारे। ये पूरी आइस है यहाँ पे हार्ड वाली, आज भी वही काम हो जाता फंसने वाला। एक पल को ना आत्मा डर गई थी पूरी, रूह काम की थी, आज तो कोई हेल्प करने भी ना आता है यहाँ पे। पर निकल गई, ये खुशी है कि थार है हमारे पास। इंजन लाइट तो नहीं जल रही कोई, पक्का सब ठीक है? शुरू में एक एरर वाली लाइट जली थी पर 5 मिनट के अंदर वो गायब हो गई जब सुबह गाड़ी स्टार्ट करी थी। यहाँ से ऊपर चढ़ती हुई गाड़ी, आई होप आपको मैं क्लियर दिख रहा हूँ। धूप है पर ठंड भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हाँ कैसा लगा चला के? मज़े आ गया इस बार चला के, पावर है ना गाड़ी में बहुत ज़्यादा। मेरी बारी, आ जा ड्राइविंग सीट पे, पैसेंजर सीट पे ले पकड़। दे दे, बंद करूँ? नहीं नहीं बैठ जा। बस बहुत हो गया, देख लेते हैं फिर बस ही ले आएंगे ना वहां से। ये रास्ते पे जा रहे हैं अपन, नया रास्ता दिखा मेरे को। इन्होंने बस तो आना नहीं, कहते इस बार फंसा ही रहनी है कार जो मर्जी हो जाए। ये सामने रास्ता मिला, अब यहाँ पे जा रहे हैं, देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पे रास्ते पे, कुछ है कि नहीं, कहाँ तक ये जाएगा, नहीं हुआ कुछ तो वापस आ जाएंगे। बैठ ही जाते हैं भाई, ये रोड काफी आगे जाती है, ये तो ऑफ रोडिंग वाला ट्रैक हो गया है भाई। हाँ 4x4 पे गाड़ी की सस्पेंशन भी अलग ही काम करती है ना भाई, बहुत मस्त लगती है 4x4। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, हर तरफ आइसलैंड ऑफ इंडिया, विंटर सिटी है। और ये हम पहुंच गए हैं, हो गई फोटोग्राफी यहाँ पे, अब चलते हैं उधर और आगे जाते हैं। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, स्नो ड्राइव वाली, आगे और कुछ बढ़िया मिला तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। सो चलें भाई, चल चल, तू चला रहा है फिर? हाँ।